इस जगह से मेरी बहुत यादें ताज़ा तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, मतलब ये व्यू आप लोग चेक करें कितना खूबसूरत है। से भले बंदे ने उसको बनाया हुआ है, पूरा ऑटोमेट किया हुआ है, लेकिन फ्रंट जो है ना घर का सेम है। उसकी वजह है घर के बाहर भले उसने ऑडी खड़ी हुई है, लैंड क्रूज़र खड़ी हुई है, टेस्ला देखें खड़ी हुई नज़र आ रही है, वो खड़ी हुई टेस्ला। उसी के सामने मुझे मॉडर्न आर्किटेक्चर नज़र आ रहा है आपको, सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और बहुत ही कोई लैविश, ये देखें मुझे बड़ा खूबसूरत लग रही है उसकी वाला। हाँ भैया कैसे सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो भैया आज जो है मैंने राधा गारा देनाग की एक फेमस स्ट्रीट है, बड़ी फेमस स्ट्रीट है, वहाँ पे लोग फ़ोटोशूट्स वगैरह के लिए आते हैं और बहुत ही खूबसूरत स्ट्रीट है और उसका नाम है देनाग लैंग पूर हाउस, ऐसा कुछ करके नाम है लैंग पूर हाउस। तो मैं जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और यहाँ पर स्क्रीन पर भी डाल दूँगा नाम, काफ़ी लोग जो है ना कहते हैं कि भाई जगह का नाम भी डाला करें, तो मैं जो है वो इसमें वीडियो में लगा दूंगा, तो आप लोग देख लेगा कि बड़ी ज़बरदस्त जगह है और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 22-25 मिनट दूर है। और तो भाई यहाँ पर रुकें और दो मिनट के लिए, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें लाजमी, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें। और ट्राम से सीधा बैठूँगा और वो मुझे सिटी सेंटर में बता रहे कि फिर वहाँ से खैर दूसरी ट्राम में बैठूँगा। तो खैर भाई बस अभी शिफ्टिंग का आपको पता है पाकिस्तान में जो शिफ्टिंग होती है उस समय बड़ी मुश्किल लगती है, यहाँ पे कुछ चीज़ें आसान है, बस उसी चक्कर में लगा हुआ था। तो शिफ्टिंग जो है अगर देखा जाए चीज़ें फर्नीचर बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, इजीली ओपन हो गया, सारी चीज़ें ओपन हो गई, तो मतलब बहुत ज़्यादा ईजी इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आसान है। लेकिन अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि पाकिस्तान में तो भाई चार बंदे वो नाली उठाने के लिए वो आ गए, सारा काम वो कर देते हैं, मतलब बहुत आसान हो जाता है उसके अंदर। खैर फिर बस इसी चक्कर में लगा हुआ था, तो ज़्यादा कोई डीप डिटेल में मेरे दो ब्लॉग पेंडिंग में पड़े हैं अभी तक, और मैंने टिकट लिया हुआ है ज़ू का, लेकिन जाने का टाइम नहीं मिला क्योंकि अभी मैं ज़ू के लेकर निकलता तो 5 बजे, तो पहुँचते मुझे 8 बज जाते वो, और ऑलमोस्ट 6 बज जाते मुझे, तो मैं तो अगर अभी मैं ज़ू के लिए निकलता तो मुझे पहुँचते 6 बज जाते। तो इसीलिए मैंने फिर प्लान ये करा कि चलो यार पहले ये जो करीब की चीज़ है उसका व्लॉग बना लें और फिर इंशाल्लाह किसी दिन जो है निकलेंगे और वहाँ ज़ू का भी व्लॉग बना लेंगे। तो भाई देनाग सेंट्रम पहुँच गया हूँ और यहाँ से जो है वैसे 12 मिनट की वॉक है, और दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं ट्राम चेंज कर लूँ, गर्मी सर्दी हो रही है यार, अभी वॉक करने का मूड नहीं है, लेकिन देखता हूँ अगर नहीं मिली कोई ट्राम और फिर लंबी हो रही हुई तो फिर पैदल ही जाना पड़ेगा, तो क्या करें यार आधी हो गए भाई, चल चल के अब चल ही लेते हैं मजबूरन, क्या करें। अच्छा ये मुझे चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, मैं डिफरेंट हॉलैंड के स्टेशन पर भी गया हूँ और काफ़ी स्टेशन पर जा चुका हूँ, तो मुझे ये चीज़ जो है ना बड़ी खूबसूरत लगी देनाग सेंट्रम पर, मैंने पहली बार देखी, मेरे नोटिस में नहीं आई कि इन्होंने यहाँ पर भी अपनी हिस्ट्री लगाई हुई है कि भाई ये कैसे कैसे इनकी जो है वो हुकूमत बनी, कहाँ से शुरू हुआ। देखें ये नज़र आ रहा है 1899 और ये पूरा बताया हुआ है 1899, देखिए अब नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, तो ये पूरा दिखाया हुआ है, मतलब बहुत ही खूबसूरत लग रहा है मुझे, टू बी ऑनेस्ट व्हाट यू नीड एंड सीइंग, और एक बहुत खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है, चेक करें आप लोग हर जगह पर मतलब अपनी हिस्ट्री। इनके बच्चे बच्चे इनको पता है कि हमारे वहाँ बच्चों को इन्फॉर्मेशन तो नहीं पता होती भाई, पाकिस्तान क्यों बना नहीं पता होगा। ये देखें आप, बड़ी ज़बरदस्त लग रही है यार, मतलब हिस्ट्री देखो चेक करो कितनी प्यारी लग, मतलब लेवल बनाया हुआ इन लोगों ने अपना, मुझे तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, मतलब ये व्यू आप लोग चेक करें कितना खूबसूरत है। और ये अच्छा देनाग के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो है ना हिस्टोरिकल है, काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेंगी यहाँ पर हिस्ट्रिकल काफ़ी चीज़ें मिलेंगी आपको, तो जो जो हुआ जो भी हुकूमतें आई ये सब इसकी डिटेल बनी हुई है, तो इसको आप इसको ये म्यूज़ियम भी कहते हैं इनका, ये क्या कहते हैं इसका हिस्टोरिकल म्यूज़ियम। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये बड़ी ज़बरदस्त लग रही है, और भी चीज़ें हैं इस तरह की, यहाँ पे पूरा मैप बना हुआ है, ऐसा ये चेक करें आप लोग, ओल्ड हिस्ट्री है 1609 के, मतलब 1609 के अंदर जो ये पिक्चर बनी थी और सबसे जो है अभी तक बनी हुई, इन लोगों ने कितना प्रोटेक्शन इसकी रखी है। अच्छा ये जो मिल्स लगी हुई है, मिल्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो है समंदर के बीच समंदर पानी था और किस तरीके से जो है ये मिल्स लगाई थी और कब लगाई थी, 1632 के अंदर जो है लगाई गई थी और वो जो है यहाँ से पानी निकाला गया था।
ये चेक करें आप लोग, मतलब क्या यार ज़बरदस्त लग रहा है। हमारे वहाँ पे भी है यार, पाकिस्तान के अंदर में गया था एक म्यूजियम में सदर के अंदर, ऐसी बात नहीं है, नहीं है भाई हमारे वहाँ भी है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारे वहाँ पे हम जाने का सड़ जाते हैं उल्टा, क्योंकि गर्मी सड़ी हो रही होती है वहाँ पे, और सरकारी लोग बैठे होते हैं उन्होंने बजा के रखी हुई है। ये देखें आप कितनी, ये बिल्डिंग देखें आज भी नज़र आती है यहाँ पे, आपको मैं दिखाऊंगा किसी दिन आगे जाऊँगा। क्या लग रहा है यार, मतलब लेवल बनाया हुआ है, मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये बताया हुआ है कि अच्छा 1711 से 1751 जो है ये बंदा जो है यहाँ का घोड़ा। ऑलैंड के बारे में आपको ये भी बताऊँ कि ये सुपर पावर रह चुका है एक टाइम पे, और बहुत ही फेमस पेंटिंग है ये, देखें आप क्या ज़बरदस्त। रियली यार बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, मतलब बहुत एंड बनाया हुआ है। मुझे टू बी ऑनेस्ट ये बहुत ज़बरदस्त व्यू लग रहा है। 18 ये बता रहे हैं कि 1806 के अंदर, 1806 से और 1808 तक जो है ये बंदा यहाँ पे रहा, इसने हुकूमत करी। पूरी डिटेल बस पढ़ना हो बताओगी, यहाँ पे तुर्कों के भी आएगी कहीं ना कहीं, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है यहाँ पे टर्की की भी बहुत बड़ी है, और इस जंग के बारे में बताया है, छोटी मोटी चीज़ है। और ये मैं आपको दिखा चुका हूँ, मेरा एक ब्लॉग है जिससे मैं जो है आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दिखाया था, और उसके अलावा मैंने एक ब्लॉग के अंदर आपको वैन हॉफ दिखाया था, तो वो दोनों ही दैनाक से हैं। तो वैन हॉफ वाले के अंदर आप देखेंगे आपको ये नज़र आएगा, ये आज तक बना हुआ है इनका, 1813 में बना। ये देखें आप लोग, इनका फ्लैग जब से लेके अब तक एज इट इज ऐसा कैसा। अच्छा एक चीज़ ये हो ना, ये है कि लोग कहते हैं कि भाई ये हॉलैंड का नाम क्यों चेंज कर दिया, हॉलैंड का नाम क्यों चेंज कर दिया, तो भाई मेन चीज़ ये हॉलैंड का नाम इसलिए चेंज करा बिकॉज के नैदरलैंड उन्होंने कहा कि थोड़ा मॉडर्न होना चाहिए। ये देखें 1880 से 1962 नज़र नहीं आ रहा, ये प्रिंसेस थी यहाँ की, और फिर जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो ये जो है आपका बस ये करंट आपका जो है आता जाएगा। तो ये पूरी भाई देखें हिस्ट्री है वर्ल्ड वॉर से पहले की, ये पी और लास्ट वाली जो पिक्चर है वो जो नज़र आ रही है आपको, करीब से भी दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखें आप, ये मैंने आपको दिखाया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, और ये जो है देखें बना हुआ है। तो भाई मैं अब जो है हिस्ट्री से बाहर जा रहा हूँ, और ये आगे मुझे नज़र आ रही है 24 ट्राम, और यहाँ से मैं जो है सीधा उतरूँगा अपनी डेस्टिनेशन पर। और मुझे ये भी पता चल गया कि क्योंकि यार ये बड़ा मसला होता है ट्राम ढूंढना, और ये बस है 28-24 ट्राम और बस में फ़र्क करना, तो यहाँ से बैठूँगा मैं और फिर जो है अपने डेस्टिनेशन पर उतरूँगा मैं। तो भाई मैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा था, और ये डच नाम बड़े मुश्किल हैं भाई, मैं नाम भूल गया। और तो मुझे एक बड़ा ज़बरदस्त व्यू नज़र आया, मैंने सोचा भाई रिकॉर्ड करो आप लोगों के लिए। देखिए ये लेफ्ट और राइट साइड पे जो है ना आपको घर बने हुए नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे दोनों जो साइड में घर हैं ये ओल्ड कंस्ट्रक्शन है, ओल्ड आर्किटेक्चर है, बहुत ही ब्रिक्स ब्लॉक आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे। और जो हर चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखिए फ्रंट सेम है अंदर से भले, बट बात क्या है अंदर से घर की जो स्ट्रक्चर है जो आर्किटेक्चर है वो आप चेंज कर सकते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट आप बाहर से नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि ग्लास सिस्टम आ जाएगा अगर हमने ये कर लिया तो। उसी के सामने मुझे ये मॉडर्न आर्किटेक्चर नज़र आ रहा है आपको, सारी बिल्डिंग बनी हुई है और बहुत ही कोई लेविश। ये देखें मुझे बड़ा खूबसूरत लग रहा है, ये भी चेक करें आप इसको देख के, एम्स्टर्डम जेद वाला जो है ना एक मुझे जहन में आ रहा है, ये पूरा स्काई लाइन इनका बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। इस जगह से मेरी बहुत यादें ताज़ा हैं, और मुझे याद है कि इधर आगे जाएंगे वहाँ पे और बंसी गली के कोने पे जो है वो होटल है जहाँ पर मैंने स्टे किया था जब मैं आया था। मुझे रियली यार वो वाइब्स याद आती हैं, और पाकिस्तान की वाइब्स याद आती हैं अक्सर, पाकिस्तान में जब आप सोकर उठते हैं और सोकर उठने के बाद जो सैटरडे होता है वीकेंड
उसका एक अपना मज़ा होता है जो कि आपको कहीं भी नज़र नहीं आ सकता, मतलब उसका एक अपना समझ लें कि यार मज़ा आता है उसमें। तो खैर यार बड़ा मिस करता हूँ कभी कभी पाकिस्तान को, और यहाँ पे लाइफ जो है ना वैसे ही है, बड़ी टफ़ होती है, स्केड्यूल बहुत टफ़ होता है, जाहिर सी बात है आपको पूरा दिन इसी में निकल जाता है, बस काम करते करते घूमते फिरते और ट्राम मेट्रो का इंतज़ार करते करते, यही लाइफ है यार। लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है कि इंसान को हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि जो मिल गया बस उस पर जो है ना हमेशा से खुश रहना चाहिए। तो मैं कभी भी ये नहीं करता कि जो जो मेरे पास है यार बस वो बेस्ट है, वही बेस्ट होना चाहिए। तो मैं यहाँ से उठ के जाता था, और मैं आपको बताऊँ कि आगे अल्बर्ट आइंस्टाइन स्टोर है, उधर आगे जाएंगे। सर्दी हो रही थी शदीद, और मैंने जो है वो एक यूरो की छुरी खरीदी थी, वो ख़रीदते वक्त मेरी पड़ गई थी यार, सच बताऊँ तो दो दो तीन तीन यूरो खर्च करते वो पड़ जाती थी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप रुपीज़ में आ रहे हैं और इस रुपीज़ में या धर्म में आ रहे हैं और उसके बाद जो है फिर आप को पैसा खर्च करना पड़ रहा है, तो फिर वही होता है कि यार लिटरली यार बहुत अफसोस होता है खर्च करते हुए इस तरह। तो होता था उस टाइम पे, तो जब भी आप आते हैं और किसी कंट्री के अंदर वहाँ पे टाइम सेट हो लोन में 3 साल 2 साल 4 साल जो मैं अक्सर बताता हूँ, लेकिन आप हो जाते हैं इन डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर, क्योंकि सिस्टम वही है, सिस्टम बहुत ही अच्छा बना हुआ है जो आपको ऑटोमेटिक आगे लेकर आता है अगर आप मेहनत करते हैं। तो बहरहाल मेरी बस आ रही है, बस में बैठ रहा हूँ। और अच्छा ये जो जगह है लैंगुर हाउट, ये जगह है भाई लैंगुर हाउस, लैंगुर हाउस, और बहुत ही खूबसूरत है। और मैंने आपको जैसे अभी पिछला एक व्यू दिखाया, थोड़ा बहुत इसमें उसी तरह का व्यू आ रहा है, लेकिन ये जो है उससे ज़्यादा पुरानी है, और ये यहाँ की समझ लें कि एक बहुत ही फेमस स्ट्रीट कहलाती है। और दो फेमस स्ट्रीट्स हैं यहाँ की फेमस, पहली का नाम आप लोगों को नहीं बता सकता, पता हो सकता लोगों, और ये दूसरी स्ट्रीट कहलाती है, यहाँ की बड़ी फेमस है। और ये पहली जगह है जहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे मट्टी शट्टी देखे। और अच्छा ये जो है एक्चुअली जगह है फ़ोटो शूट्स वगैरह के लिए, लोग यहाँ पर आते हैं, और साइड्स पे जो है यहाँ पे बैठने की प्रॉपर जगह बनी है, तो अगर आप यहाँ पे चाहें बैठ गए, ठंड मतलब माहौल थोड़ा ठंडा है क्योंकि गर्मी भी हो रही थी, तो मैंने सोचा यार चलो कहीं निकल ही जाओ, तो बड़ा अच्छा लग रहा है यार, मतलब ठंडा माहौल हो गया है क्योंकि बारिश काफ़ी हफ्ते हुए, 2 हफ्ते से बारिश नज़र नहीं आई मुझे, और लेकिन यहाँ पिछले हफ्ते मौसम काफ़ी ठंडा था और ये अचानक जो गर्मी हो गई तो अजीब सा माहौल हो गया। अच्छा ये यहाँ पे आगे ही जो है ना क्लेव एरिया लगता है, यानी यहाँ पे एम्बेसीज वगैरह होती हैं सारी सारे कंट्री की, और पाकिस्तान की एम्बेसी भी आप लोगों को मैं दिखाऊँगा। पाकिस्तान वाले जो है हम एम्बेसी वाले यहाँ पे बड़े पाकिस्तान में तो बड़े चौड़े में घूमते हैं हमारे लीडर्स, लेकिन यहाँ पे ऐसा चक्कर नहीं है, यहाँ पे बड़े फुल इसमें मज़े में घूमते हैं। तो भाई सिंपल है कि अच्छा इस जगह का जो मुझे लग रहा है कॉन्सेप्ट, लोग ज़्यादातर यहाँ पे फ़ोटो शूट्स वगैरह के लिए आते हैं, और अभी क्योंकि 6 बज चुके हैं, 6:30 हो रहे हैं, तो 6:30 बजे जैसे कि यहाँ पे आपको मालूम है कि माहौल ठंडा हो जाता है, तो बहुत अच्छी जगह है। और एक्चुअली यार वही है कि मुझे जाना था ज़ू, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं जा सका, टाइम ही नहीं था यार, असल में सैटरडे संडे इतना बिजी होता है कि उनमें आप कुछ समझ लें इन्हीं चक्करों में निकल जाता है घर के कामों में, और फिर वही सीन है कि एक चीज़ एक वक्त में कर ले बंदा तरीके से करे, बट ये नहीं कि वो आड़ा उड़ी हो, वो मुझे अच्छा नहीं लगता भाई। अच्छा रात में ये और ख़ूबसूरत लगती है स्ट्रीट, क्योंकि जब ये साइड्स पे आपको बल्ब नज़र आ रहे हैं, ये दोनों साइड्स पे ये रैप्ट और ये चल रहे होते हैं, तो एक बहुत ही खूबसूरत व्यू नज़र आता है यहाँ पर। तो भाई मैंने आप लोगों को लॉन्च वेन हाउट के बारे में बताया, भाई नाम जो है ना मुझसे प्रोनाउंस नहीं होते भाई, बहुत ही अजीब है, जब तक डच नहीं आती थोड़ी बहुत समझ में आ जाती है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो है ना इसकी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो लॉन्ग वोर हाउट इस जगह का, वोर हाउस इस जगह का नाम है, तो जिसको आप ये कह सकते हैं कि ट्रीस लाइन, तो यहाँ पर जो है ट्रीस लाइन बनी हुई है एक, और आप जो है यहाँ पर आराम से घूमें फिरें। और ये जगह जो फेमस है, इसकी जो ब्यूटी है वो पिक्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत
फेमस है कि यहाँ पे जो है ना पिक्चर्स बहुत अच्छी आती हैं। आप कोई भी बंदा आ जाए तो जैसा मेरा जैसा इंसान भी आ जाए तो उसकी पिक्चर जो है यहाँ पे अच्छी आती हैं। तो भाई साफ बात है कि मुझे ये जगह बहुत पसंद आई है और यहाँ पे जो पिक्स मैंने बनाई हैं इंस्टाग्राम पे शेयर करूँगा। कभी आप लोग नैदरलैंड आए तो लाजमी इस जगह पर पिक्चर्स वगैरह बनाइएगा। तो भाई अब मैं निकल रहा हूँ घर के लिए और अपने व्लॉग को यहीं पर ही एंड करता हूँ और नेक्स्ट व्लॉग के साथ हाज़िर होऊंगा इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अब तक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।